नमस्कार मारू राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती शर्मा। ये बढ़ते हैं खबरों के विस्तार की तरफ। राजस्थान में जयपुर के अंबेडकर भवन में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग मंत्री भंवरलाल मेघवाल ने कॉल सेंटर का उद्घाटन किया, जिसे लेकर हमारे संवाददाता राकेश दादिश ने उनसे खास बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। अंबेडकर भवन में आज कॉल सेंटर का उद्घाटन किया है मंत्री भंवरलाल मेघवाल ने। हमारे साथ वो मौजूद है। सर, आज जो उद्घाटन हुआ है कॉल सेंटर, क्या है? देखिए कि राजस्थान के अंदर हमारा जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है, इस विभाग के अंदर तीन डायरेक्टर अलग अलग और बैठते हैं। इसके अलावा कुल मिलाकर के चार डायरेक्टर हैं। मेन डायरेक्टर अंबेडकर भवन सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग। और हमने पिछले तीन चार छः महीने के अंदर, जो हमारी सरकार जब से आई है, तब से हमने राजस्थान में जितनी भी योजनाएं थी उन योजनाओं को ऑनलाइन करने की काम किया। अब ऑनलाइन काम तो हो गया, लेकिन पूरे राजस्थान में लोग ढाणियों में भी रहते हैं, गांव में भी रहते हैं, जहाँ पे टीवी नहीं मिलती या और कोई प्रकार की बात नहीं होती, तो उन लोगों को जानकारी इतनी नहीं मिल पाती। अब क्या हुआ कि गांव का व्यक्ति या शहर का व्यक्ति या कोई भी ऐसा व्यक्ति मेरे से फ़ोन करता है कि साहब मंत्री जी आप बताइए इसका क्या हुआ। हमारे डायरेक्टर से करते हैं, हमारे नीचे के अधिकारियों से जब बात करते हैं, उसकी बजाय हमारे विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा जी और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के डायरेक्टर सावरमल जी वर्मा, ये बैठ करके इन लोगों ने सोचा कि क्यों न इसको ऑनलाइन जो कार्यक्रम हमने सब कर दिए, तो क्यों न कॉल सेंटर स्थापित किया जाए, ताकि सीधा डायरेक्ट कॉल आए, जो भी लाभार्थी है उसको कोई परेशानी है तो लाभार्थी को वो काम मिल जाए, कभी उसको जानकारी मिला। नया लाभ लेने वाला व्यक्ति है, पालनहार के बारे में, छात्रवृत्ति के बारे में, अनुप्रति के बारे में, उसके बाद में ये जो आपकी पेंशन है, बहुत बड़ी पेंशन है, 74 लाख व्यक्ति को पेंशन मिलती है, 3 लाख से ऊपर पालनहार के बच्चे को पैसा मिलता है। अब छात्रवृत्ति, पेंशन, ये अलग अलग प्रकार की योजना में लोगों को परेशानी बहुत होती है, तो वो सीधे कॉल सेंटर में बात करेगा 1-800-1800-6127, ये कॉल सेंटर का नंबर होगा। कॉल सेंटर में 2 नंबर का बटन दबेगा, 2 नंबर बटन दबाने से ही वो आपस में दोनों जुड़ पाएंगे और वो अपनी बात को कॉल सेंटर के जिस जो भी व्यक्ति बोलेगा उसको अपनी समस्या बताएगा, समस्या का समाधान वो करेगा, उसे जानकारी लेगा तो जानकारी उसको देना पड़ेगा। सपोज मान लीजिए उसको कोई जानकारी नहीं है, ऐसी बात आ गई कि वो किसी अधिकारी से पूछना चाहेगा, तो उसी समय उस अधिकारी को कॉल लग जाएगा और वो अधिकारी फिर डायरेक्ट उससे जुड़ जाएगा। तो ये कॉल सेंटर से राजस्थान में बहुत बड़ा उन लाभार्थी को या लाभ लेने वाले व्यक्ति को बहुत बड़ा फायदा होगा। सर, बीते दिनों छात्रावास में कुछ बदहाल की स्थिति देखने को मिली, आपके पास भी वो बात आई है निकल कर, तो क्या दिशा निर्देश आपने दिए जो अधीनस्थ अधिकारियों को? पिछले करीब 8 महीने के पीरियड में, जब से हमारी सरकार बनी है, करीब 10-15 ऐसे छात्रावास हूँ, जहाँ जहाँ मैं गया हूँ वहाँ मैं छात्रावास डेफिनेट से देखने की बात करता हूँ। और मैंने कई प्रकार के वहाँ पे देखा है कि बच्चों के साथ अनजस्टिस हो रहा है, ये बात सही थी, लेकिन उसके बाद हमारे जो ब्लॉक लेवल के अधिकारी हैं उनको डायरेक्शन दे दिया कि आप स्वयं छात्रावास में जाओ, जांच करो छात्रावास के अंदर उस बच्चे को पूरा राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, राशन अच्छा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आटा सही है कि नहीं है, सब्जी सही है कि नहीं है, दूध पूरा उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ऐसे ऐसे के अलावा हमारे जितने भी जिले के अधिकारी हैं उन अधिकारियों को हमने निर्देश दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी कई कई ऐसे पुराने बोल रहा हूँ, पुराने जो छात्रावास के अधीक्षक हैं वो कभी कभी बाज नहीं आ रहे हैं, उनका भी हम कोई न कोई सुधारने का काम करेंगे। मुझे मेरी जानकारी में पिछले 2-3 दिन से लगातार एक जगह से आई है, मैंने हमारे राजस्थान के सोशल जस्टिस के डायरेक्टर साहब उनको इस बात के निर्देश दिए हैं कि उसकी जांच 24 घंटे के अंदर उसकी जांच करवाएं।
और जांच ही नहीं करवाएं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी करें, रिपोर्ट मेरे पास भी भेजें, ताकि एक मैसेज जाए पूरे राजस्थान के 800 छात्रावासों में कि कोई इस प्रकार के घिनौनी या घटिया हरकत नहीं करे उन बच्चों के साथ, उनके पेट के साथ खिलवाड़ आप कर रहे हो, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करो, ये मैं होने नहीं दूंगा। हमारे विभाग के अंदर क्योंकि हमें टाइम बहुत कम मिला, इसलिए टाइम कम मिलने की वजह से पूरा सुधार हम कर नहीं पाए, क्योंकि सारा सामान राशन जो भी बच्चों को दिया जाता है वो खरीदने का अधिकार छात्रावास अधीक्षक को है। अब छात्रावास 800 में से 400 छात्रावास खाली पड़े हैं, वहाँ पे किसी टीचर को लगा रखा है या एक छात्रावास दो दो दे रखे हैं, कहीं कहीं तीन तीन भी दे रखे हैं। मैंने देखा अजमेर में तीन एक छात्रावास तीन दे रखे। आज हमने राजस्थान चयन बोर्ड से हमारे पास 200 से ऊपर छात्रावास अधीक्षक आए हैं, डायरेक्टर साहब को मैंने आज ही कहा है कि आज शाम तक उनके जो भी बाहर से आए हैं उनके डॉक्यूमेंट अगर हमने चेक करने हो तो उनके आदेश निकाल दो कि आने वाले महीने 20 दिन डेढ़ महीने के अंदर अंदर पूरे राजस्थान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की जो चारों शाखाएँ हैं, चारों डायरेक्टर हैं, वो अपने विभाग के अंदर ऑनलाइन जो हुआ है उसके आधार पर सब ऐसा काम करें। बिल्कुल, जिस तरह से मंत्री ने बताया कि आने वाले समय में जो विभाग के जो कमियां हैं उनको दुरुस्त किया जाएगा, नई स्कीमें विभाग लॉन्च करेगा। फिलहाल जो आज कॉल सेंटर का उद्घाटन हुआ है उसमें सरकार के द्वारा जो जानकारी है वो जन जन तक पहुँचेंगी। कैमरा पर्सन केदार शर्मा के साथ राकेश दादीच, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। तो वही आपको बता दें, मुख्यमंत्री गहलोत ने सीएमओ कार्यालय में जनसुनवाई की, जहां इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने सीएम से मुलाकात की और क्षेत्र की समस्याओं को लेकर चर्चा भी की। साथ ही समस्याओं का समाधान निकालने का सीएम ने सभी को आश्वासन दिया। इस दौरान पूर्व मंत्री दुरू मियां, विधायक रफीक खान समेत कई नेता वहां मौजूद रहे। तो वहीं उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए जनता से सौहार्द बनाए रखने की अपील की। जम्मू कश्मीर की तो बात दूर की है, अभी तो हम अपने इलाके की बात कर रहे हैं, हम जयपुर का देख रहे हैं, पूरे राजस्थान के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ का माहौल सही रहे। और बाकी तो जब यहाँ का माहौल सही रहेगा तो मैं समझता हूँ पूरे देश का माहौल सही रहेगा। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया और प्रशासन ने एक बहुत अच्छा काम किया, स्पेशली पुलिस प्रशासन ने लोगों के साथ में जाके और मामले को समझा। और एक बात मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ, मीडिया के लोगों से भी, कि 12 तारीख को इंसिडेंस हुआ, 12 तारीख से लेके आज तक एक सिंगल ऐसा एग्जांपल नहीं है कि किसी एक कम्युनिटी ने एक कम्युनिटी के किसी लोगों के साथ मारपीट की या किसी के साथ कोई मिसबिहेव किया। एक आदमी आप ऐसा नहीं ला सकते जो ये कह देंगे कि मुझे चोट आई और मेरे को इसने मारा। राजस्थान ऑल ओवर राजस्थान में हम चाहते हैं कि हमारी सद्भावना, हमारा भाईचारा, और कुछ ऐसे लोग होते हैं आप सिर्फ एक दूसरे का मान और सम्मान देते रहेंगे तो देश का भविष्य उज्ज्वल होगा। इसके अलावा जो अपन अच्छी छोटी मोटी बातें करते हैं उसको नकार के भाईचारा निभाना, और एक दूसरे की ये दो आंख है, हिंदू और मुस्लिम, इनके बगैर किसी का काम नहीं चलता है, इनको दोनों को देखते हुए हमें काम करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएम आवास पर सोमवार को जनता दरबार लगाया, यहाँ उन्होंने आमजन की समस्याएं सुनी। तो वहीं आपको बता दें, इस बार अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार जनसुनवाई की। इस दौरान प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से आए लोगों ने सीएम के सामने अपनी समस्याएं रखी, जिनका सीएम ने समाधान करने का आश्वासन दिया। हमारी रेट मात्र जो गवर्नमेंट की है वो 2.5 लाख या 3 लाख 4 लाख से ज्यादा नहीं है, जबकि वहाँ हम जो खरीद रहे हैं वो जमीन 10 और 15 लाख रुपए की खरीद रहे हैं और गवर्नमेंट दे रही है 2.5 और 3 4 का। मुख्यमंत्री जी ने यह कहा है कि हम भारत सरकार से बात करेंगे और आपको किसानों को ज्यादा से ज्यादा राहत दिलाने का प्रयास करेंगे और पूरा पूरा प्रयत्न करेंगे, आपको NCR के जो रेट है वो रेट के तहत से आपको जो मुआवजा मिलेगा, ये उन्होंने बात कही। मुख्यमंत्री आवास पर आज जनसुनवाई हो रही है, प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से यहाँ से लोग आए हैं, यानी तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे तमाम जो यहाँ से विभिन्न प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से लोग आए हुए हैं, यहाँ पर जनसुनवाई अपने अपने समस्याएं लेकर के आए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर मुख्यमंत्री जो इस बार बनने के बाद पहली बार यहाँ पर जो है सीएम आवास पर जो है अपनी जनसुनवाई कर रहे हैं, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। कहाँ से आए और
क्या समस्या है? हम जोधपुर जिले से आए हैं और हम पुलिस डिपार्टमेंट और पानी से संबंधित और समाज कल्याण विभाग से जो संबंधित समस्याएं हैं वो लेके आए और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। आशा है कि वो हमारी समस्याओं का समाधान करें। आप कहाँ से आए? वही फलोदी से, पुनर्गठन। क्या समस्या हमारे वहाँ पे? अभी महिला महाविद्यालय खोली जा रही है, उसके लिए बात करना है। दूसरा बस स्टैंड नहीं है वहाँ पे, तो बस स्टैंड की से नहीं होने से हम समस्या। बिल्कुल, यहाँ पर विभिन्न हिस्सों के लोग आए, अलग अलग समस्याएं लेकर के आए, अलग अलग इनकी समस्याएं हैं। आप कहाँ से आए बताए? मैं नगर से, तहसील नगर से आया हूँ, गाँव बेर्रू, जिला भरतपुर। क्या समस्या आपकी? मेरी समस्या है साहब, बहुत गहरी समस्या है मेरी। क्या है गहरी समस्या? गहरी समस्या है, एक सेवा चक्कर रखवाया जो कि सेटलमेंट ने जब आया था तो उसमें जो उसको पोखर दर्ज कर दिया जिसके ऊपर। और मैं बाटोदा से रामू वास्ते सवाई माधोपुर, मेरी बच्चे का बर्डर हो गया, इसको भी उनको आरोपियों गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं सासू ननद वगैरह को गिरफ्तार करने के लिए साहब के साथ आया। बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से लोग आए हैं, विभिन्न जिलों से लोग आए हैं, अपने अपनी समस्याएं लेकर के आए हैं, कोई किसी की पानी की समस्या है तो किसी से अपराध से जुड़ी हुई समस्या है, तो किसी की बिजली की है, तो किसी की राजस्व विभाग से जुड़ी हुई समस्या है, तमाम जो समस्या लेकर के आए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। इस बार जो है 2018 की सरकार बनने के बाद, इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री आवास पर जनसुनवाई कर रहे हैं। जनसुनवाई के लिए विभिन्न जो प्रदेश हिस्सों आए हैं, तो मुख्यमंत्री का जो है जो जो ये बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जल्द जिनके जनसुनवाई कर रहे हैं, समस्याएं सुन रहे हैं, उनकी जल्द ही समाधान करने की कोशिश भी करेंगे। कैमरा पर्सन केदार शर्मा के साथ रहमतुल्लाह खान, न्यूज इंडिया, जयपुर। जयपुर बीजेपी मुख्यालय में संगठन को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठन संरचना को लेकर मंथन भी किया गया। बैठक में सह संगठन महामंत्री वी सतीश सहित नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और बीजेपी के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। जयपुर में बीती रात पुलिस कर्मियों की सजगता के चलते एटीएम लूटने से बच गया। घटना देर रात की बताई जा रही है, जहां रविवार रात हेड कांस्टेबल कैलाश और कांस्टेबल बलवीर गश्त कर रहे थे। इस दौरान सरना डूंगर में लगे एटीएम का शटर डाउन हुआ तो उन्हें शक हुआ, जहां जाकर देखा तो दो बदमाश एटीएम को तोड़ने में लगे हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर लोहे की रॉड से हमला भी किया। जैसलमेर के मोहनगढ़ क्षेत्र में राजकीय माध्यमिक विद्यालय एमडी बाकलगढ़ में शिक्षकों के पद खाली होने को लेकर विद्यार्थियों ने प्रधानाचार्य को ज्ञापन सौंपा। विद्यार्थियों का कहना है कि जब से हमारे स्कूल खुली है तब से लेकर आज तक शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं, जिससे हमारी पढ़ाई पूरी नहीं हो रही है। आपको बता दें, शिक्षकों के पद पूरे नहीं होने के कारण विद्यार्थियों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो वही राजस्थान के झुंझुनू में बिसाऊ की नगर पालिका की लापरवाही सामने आई, जिसमें शहर के मुख्य चौराहों सहित बाईपास पर व्यापारियों और नेताओं के प्रचारक पोस्टर लगे हुए हैं, जिस पर नगर पालिका कोई ध्यान नहीं दे रही है और शहर के सौंदर्यकरण को बिगाड़ते देखकर भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। बताना चाहेंगे कि शहर के सौंदर्यकरण के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए भी खर्च कर रखे हैं। ২০১৯ में अभी वर्षा ऋतु में फायर स्टेशन, नगर पालिका के फायर स्टेशन, नंदपुरा बालाजी मंदिर और तहसील स्तर तहसील ऑफिस में पौधे लगाए गए हैं। इसके अलावा जो पुलिस थाना मोड़ है उससे लेके गंगेश्वर मोड़ तक 80 पौधे ट्री गार्ड सहित रोड साइड लगाने का प्रस्ताव है, जिसका कार्यादेश हो गया है और अगस्त लास्ट तक में सारे पौधे लगा दिए। जयपुर के गांधीनगर में छात्रावास में अनियमितता को लेकर मीडिया ने मंत्री भंवरलाल मेघवाल से खास बातचीत की। इस दौरान मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि हमारे निदेशक सावरमल वर्मा ने निर्देश जारी किए हैं कि आज एक अधिकारी जाएगा, उसके साथ पूरी रिपोर्ट भी पेश की जाएगी, साथ ही हमें काम करने का अवसर मिला है, मुझे खुशी है। मुख्यमंत्री ने बजट में 2000 से बढ़ाकर 2500 रुपए छात्रवृत्ति दी जा रही है। कल मेरे संज्ञान में ये बात आ गई और मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारे निदेशक, हमारे डायरेक्टर सावरमल जी वर्मा हैं, उन्होंने आज ही
इस बात के निर्देश जारी कर दिए, एक अधिकारी वहां पे जाएगा। और अधिकारी जाने के बाद मैं आपको कहना चाहूंगा कि छात्रावास में जिस प्रकार की ये अनियमितता मिल रही है, क्योंकि देखिए हमें काम करने का अवसर बहुत कम मिला है। पहले शुरू के अंदर मैंने 20 दिन में तो चुनाव नए जीत के आए तो नया नया काम हुआ, उसके बाद 3 महीने उसमें लग गए, हम आचार संहिता की वजह से हम कोई काम नहीं कर रहे। अभी 1 महीने से 1.5 महीने से हम काम में लगे हुए। मैं समझता हूँ कि अब धीरे धीरे वापस जो धीरे धीरे जिस प्रकार से ये योजनाएं संचालित कर रहे हैं, हम छात्रावासों की व्यवस्थाओं को भी सुधारने का काम करेंगे। मुझे खुशी है कि राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री जी ने इस बजट के अंदर, जहाँ कई वर्षों से 2000 रुपये एक बच्चे को मिलता था, उन्होंने 1 साथ 500 रुपये बढ़ोतरी की है और फिर कम होगी तो हम आगे आने वाले समय में और उनकी बढ़ोतरी करेंगे। जयपुर नगर निगम की 13वीं साधारण सभा की बैठक हंगामे के साथ हुई। महापौर लाठा की अध्यक्षता में बैठक की शुरुआत हंगामे के साथ हुई है। बैठक में भाजपा पार्षद मान पंडित ने मेयर पर कई सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं इस दौरान दोनों पार्टियों के पार्षदों के बीच धक्का मुक्की भी की गई, साथ ही कई आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल भी किया गया। इस पर कांग्रेसी पार्षद वेल में आ गए और दोनों पार्टियों के पार्षदों के बीच धक्का मुक्की हो गई। बैठक में विधायक गंगा देवी भी मौजूद थी। कुछ समय बाद बैठक एक बार फिर शुरू हुई तो उसमें 2 एजेंडे शामिल किए गए। इस दौरान पार्षदों ने एक दूसरे पर जमकर अपशब्दों का प्रयोग किया। ऐसे में एक बार तो पार्षदों के बीच हाथापाई भी की गई। इस बीच सुरक्षा कर्मियों ने बीच बचाव करते हुए पार्षदों को अलग अलग किया। कांग्रेस और भाजपा के पार्षदों के बीच जमकर हुई बहस और धक्का मुक्की के दौरान कई बार सभा को स्थगित करना पड़ा। निगम में 2 एजेंडा प्रमुखता से रहा। निगम मेयर पर लॉडर आपूर्ति कार्य की वार्षिक दर संविदा माह मई जून व जुलाई 2016 तक करवाए गए कार्य के 56.50 लाख की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति देना। तो वहीं जयपुर शहर में सफाई, लाइट व विकास कार्यों पर भी चर्चा हुई। सभा के दौरान पार्षदों ने गाना गाकर मेयर को रिझाया। साथ ही आज जयपुर नगर निगम की 13वीं साधारण सभा की बैठक आपको बता दें हंगामे के साथ हुई। तो वही राजस्थान के अजमेर के एसडी कॉलेज छात्र संघ चुनाव में सभी 4 पदों पर चुनाव लड़ने वाली एनएसयूआई ने जीत का परचम लहराने के लिए कमर कस ली है। संगठन पदाधिकारी और कार्यकर्ता जीत के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में सोमवार को एनएसयूआई के चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया गया। मेवाड़ी गेट स्थित जैन लाइब्रेरी में शुरू किए गए चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कांग्रेस पीसीसी सचिव पारस जैन और अध्यक्ष प्रत्याशी अनुप्रिया चौधरी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। तो वहीं करौली के हिंडौन शहर में आवारा सांड लड़ने से लोगों में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान 1 घंटे तक चली लड़ाई के बाद मौजूद लोगों में राहत की सांस ली। आपको बता दें कि नगर परिषद प्रशासन एक ओर आवारा जानवरों को पकड़ने का दावा करती है, तो वहीं दूसरी ओर शहर के मुख्य मार्ग, बाजार और चौराहों पर आवारा जानवरों का जमघट लगा रहता है, जिससे व्यापारियों को काफी दिक्कतें होती है। प्रशासन आवारा पशुओं को पकड़ने में पूरी तरह से नाकाम नजर आ रही है। मामले में जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने बताया कि सरकार से नंदीशाला खोलने का प्रस्ताव भी मिल गया है। जल्द ही आवारा जानवरों को नंदीशाला में पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज अपने सिविल लाइंस स्थित सरकारी निवास पर जनसुनवाई की, जिसमें विभिन्न प्रतिनिधि मंडल और आमजन पहुंचे। किसानों के प्रतिनिधि मंडल के साथ अलवर के राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से कांग्रेस विधायक जौहरी लाल मीणा भी सीएमआर पहुंचे। उन्होंने किसानों के साथ मुख्यमंत्री को एनएच 148 में भूमि अधिग्रहण मामले से अवगत करवाया। साथ ही कहा कि किसानों को उनकी भूमि अधिग्रहण के बदले 2 से 4 लाख रुपये प्रति बीघा मुआवजा दिया जा रहा है। इसी बीच भरतपुर से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें भरतपुर से बड़ी खबर, श्रद्धालुओं से भरी बस अनियंत्रित होकर पलटी। गुगामेड़ी से दर्शन कर लौट रहे थे श्रद्धालु, करीब 65 श्रद्धालुओं से भरी हुई थी निजी बस। उत्तर प्रदेश के बदायूं जा रहे थे श्रद्धालु। आपको बता दें करीब 1 दर्जन श्रद्धालु के घायल होने की सूचना मिल रही है। घटना की सूचना पर पुलिस प्रशासन वहां मौके पर पहुंचा।
नगरडीग सड़क मार्ग स्थित गांव बुर्जा की ये घटना बताई जा रही है। श्रद्धालुओं से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जहां गोगा मेड़ी से दर्शन कर श्रद्धालु उस वक्त लौट रहे थे। करीब 65 श्रद्धालुओं से भरी निजी बस थी ये, जो उत्तर प्रदेश के बदायूं जा रही थी। करीब एक दर्जन श्रद्धालु के घायल होने की सूचना इसमें मिली है। आपको बता दें कि घटना की सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर भरतपुर से। श्रद्धालु से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। गोगामेड़ी से दर्शन कर श्रद्धालु लौट रहे थे, उस वक्त ये हादसा हुआ। करीब 65 श्रद्धालु से ये निजी बस भरी हुई थी। तो ये फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।